हरियाणा की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मिंटू मोंडासिया के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। पंचायत की जमीन को गैंगस्टर मिंटू मोंडासिया के कब्जे से भिवानी पुलिस ने मुक्त कराया है। बुधवार को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जमीन पर बने मकान को ढह दिया है। मिंटू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर है, उस पर मकोका लगा हुआ है और तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। चार राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। भिवानी पुलिस ने मिंटू मोंडासिया की कब्जाई अवैध जमीन पर बना मकान बुधवार को ढह दिया है। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने इस जमीन की पैमाइश की थी। मिंटू मोंडासिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गे है, उस पर मौका का हत्या का प्रयास, अपहरण, जान से मारने की धमकी, शस्त्र अधिनियम व मारपीट करने के मामले हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में दर्ज हैं। मिंटू वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। भिवानी पुलिस ने जिला प्रशासन की मदद से गैंगस्टर मिंटू के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई थाना बहल के अंतर्गत गांव शोरडा जदीद में की गई है। यहां मिंटू ने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। पुलिस और प्रशासन के इस एक्शन पर भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने कहा कि गैंगस्टर मिंटू उर्फ बिट्टू मोंडासिया पुत्र करण सिंह वासी सोरडा जदीद ने अपने गांव सोरडा जदीद की पंचायती जमीन पर कब्जा कर चारों तरफ से 10 फीट ऊंची बाउंड्री बनवाई थी। जमीन पर अवैध मकान भी बनवाया था। बाउंड्री पर कटीले तार भी लगवा रखे थे जिससे और उसके आसपास कैमरे भी लगवा रखे थे जिससे वह 24 घंटे नजर रख सके। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया कि गैंगस्टर मिंटू के बनाए इस अवैध मकान में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजस्थान में वारदात को अंजाम देने के बाद यहीं आकर रुका करते थे। लोगों में खौफ बनाए रहे इसके लिए यह मकान तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि जिले में नशा तस्करों अवैध कारोबारियों की संपत्ति का रिकॉर्ड खंगाल रही है, बाद में उन पर भी ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे। ऐसे लोगों की पुश्तैनी जमीन, अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति और बेनामी संपत्ति का भी ब्यौरा लगातार जुटाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का सक्रिय सदस्य मिंटू। बता दें, मिंटू लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद दिल्ली स्पेशल सेल ने उस मकोका के तहत तिहाड़ जेल में डाल दिया था। इसके खिलाफ हत्या के मामले, हत्या के प्रयास के कई संगीन आरोप दर्ज हैं।